बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो, एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था असिस्टेंट का, 16वां ग्रेड था और डिपार्टमेंट था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट भी यही था। 2022 में ये एक पेपर हुआ था, उसमें एक मैथ का क्वेश्चन था जी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बास्केटबॉल ऑफ वॉल्यूम 6400 सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं जी बास्केटबॉल का रेडियस मालूम करें जबकि उसका वॉल्यूम जो है वो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो रेडियस के लिए वो उन्होंने चार जवाब दे दिए हैं कि ए बी सी डी, इनमें से कोई भी एक जवाब है तो वो बता दें। अच्छा, इसके लिए हम प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे इसका, उसके बाद ही हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे कौन सा जवाब बनता है, ए बी सी जो भी बनता है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बास्केट वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है वो है जी V इज इक्वल है जी 6400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि जो इसका वॉल्यूम बास्केटबॉल के वॉल्यूम का फार्मूला है वो होता है V इज इक्वल है जी 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अभी हम इसी फार्मूले की मदद से हम रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये नीचे 3 है डिवाइड हो रहा है तो इधर आके वो हो जाएगा जी मल्टीप्लाई 3V और इधर वो रह जाएगा जी 4πr³, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे हम करेंगे तो ये जो 4π है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3V/4π, इधर बच गया जी r³, ठीक है। अच्छा, अब हम r³ लिख लेंगे इस साइड पे, तो बाकी ये जो v की वैल्यू है वो हमें मालूम है, 4 वैसे रहेगा और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि कॉमन होती है तो वो भी हम लिख लेंगे। तो 3 v की वैल्यू लिखेंगे जी 6400 और बटा 4 और ये पाई की वैल्यू हो जाती है जी 3.14, ये होती है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी r³ इक्वल है 1528.66, ठीक है, ये r³ की वैल्यू आ जाती है। तो अब r³ को हमने ख़त्म करनी क्योंकि हमने सिर्फ रेडियस r मालूम करना है, तो हम दोनों तरफ ये ले लेंगे जी क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब ये क्यूब रूट और ये अंदर वाला ये स्केयर का 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो r जो बच जाएगा वो हमारे पास आएगा ये। अब हम ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये पॉइंट में है तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो वो जवाब आएगा जी 11.52 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर है। और देखते हैं उन्होंने कौन सा जवाब दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है जनाब 11.52, ये बी वाला जवाब दुरुस्त है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी, अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात आपको यहाँ पे मिल सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।